राजेश राज अग्रवाल, हम ऐसा यही बोलते हैं कि भाई चाइनीज सामान नहीं लीजिए, चाइना के ऊपर में जो है हम लोग विश्वास करना बंद करें, क्योंकि चाइना हम लोग के लिए बहुत बड़ी घातक चीज है। तमाम देशवासियों, चाइना का सामान मैसेज देना चाहेंगे भारतवासियों को। नमस्ते, मैं राजेश राज अग्रवाल, मैं देवघर वार्ड नंबर 24 सोनी देवी उर्फ सोनी राज अग्रवाल के तरफ से मैं तमाम देशवासियों को एवं वार्ड नंबर 24 के तमाम जनता को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस 74वीं वर्षगांठ की। मैं और आप जो आज हम लोग आज़ादी में हैं, आज़ादी का जो हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे वीर पुरुषों जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी कारगिल पे उन लोगों ने युद्ध किया, आज जो हमला का भारत जो है आजाद। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। जी बिल्कुल, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। आज काफ़ी सारे संघर्ष के बाद आज भारत हमारा स्वतंत्र है, और क्या भारतवासियों के लिए मैसेज रहेगा आपकी ओर से? भारतवासियों के लिए मेरे लिए तरफ से यही मैसेज रहेगा कि हम जो वीर पुरुषों ने किया, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, जो हमारे सेनाओं ने किया, उस चीज़ को हम लोग नमन करते हैं। उस चीज़ को हम लोग वैसे ही उसी कदम पे चलें जो हम लोग का भारत जो है और भी अच्छा से अच्छा बनते चला जाए। जो भी यहाँ तरह की परेशानियाँ आती है वो भगवान करे, बाबा वैद्यनाथ करें कि धीरे धीरे कम हो। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं सबसे बड़ी महामारी कोरोना वायरस लेकर के, तो मैं सभी से अपील करता हूँ मैं कि आप लोग अपने अपने घर पर ही रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर लगाएं, एवं अपने से ज़्यादा कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलना पड़े, और निकलना पड़े तो खास ज़रूरी पड़े तभी निकलें, और फिर वो भी पूरे सोशल डिस्टेंस के साथ। और बच्चों को मान सम्मान दें, बच्चों को प्यार करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, बड़ों को मान सम्मान। आज चाइना आके अपने जो है अपने सीमा में आके घुसने का प्रयास कर रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? आज हम सबों की ढिलाई है जिसके कारण चाइना हम लोगों के ऊपर हावी हुआ है, और हम हमेशा यही बोलते हैं कि भाई चाइनीज सामान नहीं लीजिए, चाइना के ऊपर में जो है हम लोग विश्वास करना बंद करें, क्योंकि चाइना हम लोग के लिए बहुत बड़ी घातक चीज़ है। चाइना का सामान बिकना यानी कि उसको मनोबल बढ़ाना, उसका बात सेम है, बात बराबर है। अभी एक मैसेज चल रहा है आत्मनिर्भर, हम आत्मनिर्भर जो आज भारत में जो भी सामान बनते हैं उसको लोग खरीदेंगे तो चाइना का प्रोडक्ट खुद नहीं घुसेगा। नहीं, वो ऑटोमेटिक है कि भारत का बना हुआ चीज़ ही लेना चाहिए। हम भारतीय नागरिक हैं, भारत का चीज़ नहीं लेंगे तो कहाँ का चीज़ लेंगे? क्या दरकार पड़ा है हमें चाइनीज का सामान यूज़ करने का? क्या जो हमारे लिए अनहित में सोचे हम उसके हित में क्यों सोचें? क्या मैसेज देना चाहेंगे देवघर नगर निगम वासियों को? नहीं, आप लोग से मेरी अपील है, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, मेरा हाथ जोड़ के विनती आप लोग से कि आप लोग अपने देश का बना हुआ ही सामान को यूज़ करिए, अन्यथा किसी भी देश का सामान को यूज़ मत कीजिए। चाइना ही क्या, कोई भी तरह का देश हो उसको सामान को यूज़ मत कीजिए। अपना भारत अपना जो है वतन होता है, क्योंकि हम एक भारतवासी हैं, हमें एक संपूर्ण लेना होगा आज 15 अगस्त के दिन कि हमें भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए सोचना है, यानी कि औरों के लिए नहीं। आज अपने आवास पर आप झंडोत्तोलन किए हैं, काफ़ी सारे लोग आए हैं, और आप मैं देखता हूं कि वो कोरोना से इम्यूनिटी बूस्टर दवाई हो या सैनिटाइजर हो, मास्क हो या साबुन हो, या गरीब असहाय लोगों का राशन का वितरण हो, आप कंटिन्यूटी आप कर रहे हैं। करीब मैं देख रहा हूं कि 3-4 महीने से लगातार आप करते हैं, क्या इस अवसर पर आप कहना चाहेंगे देवघर नगर निगम वासियों को?
नमस्कार। 74वां वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि नगर निगम के जितने भी जनता और देवघरवासी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ इस शुभ अवसर पर, और उन वीर सपूतों को नमन करती हूँ जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, महात्मा गांधी को, और कारगिल में जो युद्ध किए उन सभी वीर पुरुषों को मैं नमन करती हूँ। आज क्या प्रण लेना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस पर आप, क्योंकि आप सामाजिक आदमी हैं, समाज में काम कर रही हैं, कोरोना बूस्टर दवाई हो या सैनिटाइजर हो या मास्क हो, सारा आप लोग प्रयास करते हैं कि नगर निगम में पहुँचे, खास करके वार्ड नंबर 24 में। आगे आप क्या प्लानिंग, क्या लक्ष्य है कि आपका विकास का मुद्दा क्या होगा, और आगे क्या, कैसे गरीबों को, असहाय को मदद करेंगे आप? मैं 24 नंबर वार्ड की जनता के हर तरह से, हर संभव जितना भी हो सके हमसे, मैं उनकी हेल्प करूँगी, और सैनिटाइजर मास्क वगैरह तो हम ही क्या हर जगह, ये अभी जिस तरह की महामारी चल रही है हर कोई वितरण कर रहे हैं, और मैं भी कदम से कदम मिला करके पूरी कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह का विपदा ना आए, और हर विपदा में मैं उन्हें